रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश के तमाम राज्यों से कुछ न कुछ उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की ससुराल मिथिला से भी अनेकों उपहार अयोध्या लाए गए हैं। सीता जी के मायके जनकपुर नेपाल से भेजी गई भेंट में वस्त्र, फल, मेवा, चांदी के खड़ाऊ और आभूषण है। 500 लोगों की ये यात्रा जनकपुर से निकलकर अयोध्या पहुंची है। आपको बता दें कि देवी सीता का मायका अयोध्या से 450 किलोमीटर दूर नेपाल के मिथिला में है। ये यात्रा नेपाल के पश्चिम चंपारण, कुशीनगर, गोरखपुर होकर अयोध्या पहुंची है। इस यात्रा में शामिल 500 लोग अपने साथ लगभग 5000 उपहार लाए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी उपहार जनकपुर के घर घर से लोगों ने इकट्ठा किए हैं। उपहार में फल और पकवान भी शामिल है। इनमें से करीब 2000 टोकरी अयोध्या के अन्य मंदिरों में विराजमान भगवान सीताराम को भोग के लिए अर्पित किए जाएंगे। जानकारी ये भी है कि सर्दी में कार्यक्रम होने की वजह से गर्म कपड़े के तौर पर रामलला को कोट और ब्लेजर भी भेजे गए हैं। दरअसल जनकपुर में परंपरा है कि बेटी का घर गृहस्थी बसाने के लिए मायके से नेक भेजा जाता है। इस प्राचीन परंपरा और भारत नेपाल के त्रेता युगीन रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए ये उपहार अयोध्या भेजे गए हैं। वहाँ की इस परंपरा को परिपाटी के नाम से भी जाना जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सर्दी में हो रहा है, ऐसे में भगवान रामलला के लिए कोट और ब्लेजर भी भेजे गए हैं। इसके अलावा चांदी की थाल, सुहाग की निशानी और आभूषण सहित कई अन्य चीजें भी भेजी गई हैं। गौरतलब है कि मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जिस जल से अभिषेक किया जाएगा उसमें नेपाल की पवित्र नदियों से लाया गया जल भी शामिल है। नेपाल के भक्तों ने जनकपुर से जल लाकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया है। इस जल को पवित्र यज्ञशाला में रख दिया गया है।